गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास दे रहे हैं। ये टॉपिक दो कारण से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा, उसमें आपको आता है नर्स्ट इक्वेशन, जो एक न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी है। इसमें न्यूमेरिकल्स टॉपिक को हम कॉन्सेप्ट देंगे। ये टॉपिक के आधार पर नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा जाता है और नर्स्ट इक्वेशन के आधार पर फिर न्यूमेरिकल बनाया जाता है। इसलिए ये टॉपिक बड़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है, गौर कीजिएगा। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे वाले आपने क्लास में पढ़ा था सेल पोटेंशियल, ई सेल बराबर रिडॉक्स का सेल पोटेंशियल, रिडक्शन का सेल पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन का सेल पोटेंशियल। यानी सेल पोटेंशियल वैल्यू निकालने के लिए रिडक्शन के सेल पोटेंशियल, रिडक्शन कहां, कैथोड, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड। चूंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, तो सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी को हम लोग कह सकते हैं कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस चीज को निकालने के लिए, ई सेल को निकालने के लिए। लेकिन डेनियल सेल में आपने देखा था कि रिडक्शन किस पर होता था, कॉपर, और ऑक्सीडेशन किस पर होता था, जिंक पर। यानी कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा होता है और जिंक का पोटेंशियल कम होता है, जबकि क्रियाशीलता किसका ज्यादा होता था, जिंक का, वो याद रखने वाली बात है। तो प्रश्न यहां ये उठता है कि सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, रिडक्शन सेल पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल। लेकिन डेनियल सेल में रिडक्शन सेल पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल का अलग अलग मान ज्ञात नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए और दोनों अलग अलग मान हम नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं निकाला जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। तो डेनियल सेल में जो गैल्वेनोमीटर लगाए थे, याद होगा आपको कि ये तार था, इसको जोड़े थे जिंक से, इसको जोड़े थे कॉपर से, यहां पे गैल्वेनोमीटर था। तो सेल गैल्वेनोमीटर जो है सेल पोटेंशियल का वैल्यू दे देता है, लेकिन सेल पोटेंशियल में अलग अलग इन दोनों का मान निर्धारित करना मुश्किल चीज है। तो रिडक्शन का सेल पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन का सेल पोटेंशियल जब हम ज्ञात अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअल हम नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल सा चीज है कि दोनों का ये कितने का अंतर है। जैसे ध्यान दीजिएगा,
जैसे सेल पोटेंशियल का मान 30, तो ये मान लेते हैं कि 40 है, ये हो सकता है 10 है, ये हो सकता है 60 है, ये हो सकता है 20 है, सॉरी 30 है, ये 50 है, ये 30 है, 20 है। तो 40 में से 10 का अंतर 30, 60 में से 30 का अंतर 30 और 50 में से 20 का अंतर 30। अब रिडक्शन का मान ये है, ये है, ये है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेल पोटेंशियल का मान 10 है, 30 है, 20 है, कौन सा है? ये अलग अलग मान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सेल पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ ज्ञात होता है कहां से? गैल्वेनोमीटर से, वो अंतर बता देता है, लेकिन लेकिन अलग अलग इन दोनों का मान निकालना बड़ा मुश्किल चीज है। इन दोनों का अलग अलग मान निकालने के लिए ही हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम एस एच ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिमाग में यह बात रखना कि एस एच ई क्यों कर पढ़ रहे हैं, तो ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का मान अलग अलग निकालने के लिए ही हम एस एच ई का अध्ययन करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है, ध्यान दीजिएगा, ई रिडक्शन या ई ऑक्सीडेशन का अलग अलग मान निर्धारण करने के लिए एस एच ई का अध्ययन किया जाता है। फिर से, एस एच ई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? तो ई इलेक्ट्रोड रिडक्शन या इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का अलग अलग मान निर्धारण करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस एच ई का अध्ययन किया जाता है। अब कैसे अध्ययन करते हैं एस एच ई का, इस चीज को समझते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो टॉपिक क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गौर कीजिए, इलेक्ट्रोड तो आप समझ रहे हैं, किसी धातु के रड को उसी के लवण के जलीय घोल में डाल देने पर इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड तो समझ गए, किसका इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। किसका इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। और फिर टर्म क्या आता है? मानक। तो मानक के लिए तो जानते हैं कि वहां पे टेम्परेचर कितना कर दिया जाता है, 998 केल्विन, और वो जो घोल होता है उसका सांद्रता कितना होता है, 1 mole per liter, है ना? तो वो तो ठीक है, ये तो समझ में आती है कि मानक रखने के लिए उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, और उस घोल की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 mole per liter होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन रड हम कहां से लाएंगे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हाइड्रोजन का रड
को हाइड्रोजन के लवण के जलीय घोल में हम उसको क्या करेंगे, डाल देंगे। हाइड्रोजन तो चूंकि गैस है कि नहीं, तो हाइड्रोजन का रड कैसे बनाएंगे, इसी चीज को ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिए, यह है प्लैटिनम तार और यह है आपका बीकर, उल्टा बीकर, और यहां से हम प्रवाहित कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। प्लैटिनम का तार लिए हैं जिसको हम एक बीकर से ढक दिए हैं, बीकर का एक मुंह खुला हुआ है जिससे हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। और इसमें जो घोल है वो किसका है, HCl का। बात समझिएगा, आप जानते हैं कि प्लैटिनम निष्क्रिय होता है, प्लैटिनम की क्रियाशीलता बहुत कम, नगण्य, ना के बराबर होता है। तो हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है। किसका इलेक्ट्रोड बनाना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। तो हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए वो धातु होना चाहिए और धातु को उसके लवण के जलीय घोल में घोल दिया जाता, डाल दिया जाता है। तो चूंकि हाइड्रोजन गैस है तो हम क्या किए हैं कि एक प्लैटिनम का तार लिए और प्लैटिनम के तार को हम एक बीकर से ढक दिए हैं। बीकर का यह मुंह खुला हुआ है, यहां से हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। तो चूंकि प्लैटिनम क्या है, निष्क्रिय है, अब ये अगर काम करता है तो वो प्लैटिनम काम नहीं करेगा। प्लैटिनम एक आधार बन गया, काम कौन करेगा, हाइड्रोजन काम करेगा, हाइड्रोजन गैस काम करेगा। और वहां आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन का क्लोराइड लिए है, यानी कि हाइड्रोजन का ये जलीय घोल लिया गया है, HCl का घोल लिया गया है। तो यह काम अब जो है, यह प्लैटिनम जो है हाइड्रोजन को आधार देता है, प्लैटिनम रिएक्शन नहीं करता है। क्यों, प्लैटिनम क्या है, निष्क्रिय है, आधार कौन है, प्लैटिनम, लेकिन काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस काम कर रहा है। रिएक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो अब बन के तैयार हुआ प्लैटिनम रड के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित कर रहे हैं, ये जो तैयार हो गया वो इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, और चूंकि काम कौन करेगा, हाइड्रोजन काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका नाम। ठीक है, तो इसको जरा सा लिख लेते हैं, फिर से देख लीजिए क्या बनाना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है। तो इलेक्ट्रोड तो आप समझ रहे हैं कि कोई धातु का रड लेते हैं, उसके उसी के धातु के लवण के जलीय घोल में उसको हम डाल देते हैं। तो यहां पर किसका इलेक्ट्रोड बनाना है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, गैस तो धातु है नहीं कि उसको हम उसके लवण के किसी जलीय घोल में उसको हम डाल दे सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि एक प्लैटिनम का तार लेते हैं, उस प्लैटिनम के तार पर हाइड्रोजन बीकर से उसको ढक देते हैं और बीकर में हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो प्लैटिनम का तार एक आधार बन गया, उसको पकड़ के उसके सहारे कौन चलेगा, हाइड्रोजन चलेगा। तो रिएक्शन अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, हाइड्रोजन, जिसका आधार कौन होगा, किसके सहारे वो काम करेगा, प्लैटिनम के सहारे काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम पहले वर्णन करते हैं। तो कहता है किसी पॉट में प्लैटिनम तार जो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, को एक बीकर जो कैसा रखा होगा, उल्टा, से
ढक दिया जाता है। उसमें हाइड्रोजन गैस बार, बार किसका इकाई है? दाब का। हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं कितने दाब से? 1 bar से। हाइड्रोजन गैस दाब से प्रवाहित करते हैं। इस प्लैटिनम तार को HCl में डाला जाता है। घोल का सांद्रण 1 mole पर लीटर तथा ताप 298 केल्विन रखते हैं। फिर से घोल किसका? HCl का। चूंकि इलेक्ट्रोड किसका बनाना है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के ही लवण के जलीय घोल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं वो घोल लिए हैं। उस घोल का सांद्रता कितना रखना है आपको? 1 mole पर लीटर रखना है सांद्रता। और घोल का ताप कितना रखना है? 298। चूंकि मानक मानने के लिए आपको याद होगा, मानक मानने के लिए जो मानक बनाने के लिए जो घोल होता है, बार बार पीछे भी पढ़ाए हैं कि उसकी सांद्रता होनी चाहिए 1 mole पर लीटर और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। अब एक नई बात कि यहां जो हाइड्रोजन गैस हम दे रहे हैं उसका दाब कितना होना चाहिए? 1 bar होना चाहिए। इस प्रकार से ये मेरा तैयार हो गया कौन चीज? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसमें भी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। 3 बात इसमें है। हाइड्रोजन का दाब कितना होना चाहिए? 1 bar। HCl का ताप कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। और HCl की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 mole पर लीटर होनी चाहिए। अब आपको अभी भी बताया कि प्लैटिनम का तार क्यों लेते हैं, क्योंकि वो निष्क्रिय रहता है, उसके आधार पर हाइड्रोजन काम करता है। प्लैटिनम का तार केवल उसको आधार बनाया है। जैसे हम किसी चीज के सहारे चलते हैं, तो वो चलते आप ही हैं, वो एक आधार हो गया। तो क्या देख रहे थे? मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हम लोग इसको आप लिख लीजिए, तो फिर से 2 मिनट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए याद हो गया, प्लैटिनम का तार लिए हैं, ऊपर से बीकर से ढक दिए हैं इसको, बीकर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए हैं, HCl लिए हैं। अब हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अभी अभी बता दिया था कि जो HCl का सांद्रण होना चाहिए 1 mole पर लीटर, टेम्परेचर 298 केल्विन, और हाइड्रोजन को हम प्रवाहित करते हैं 1 bar दाब से। ये 3 बात इसमें मुख्य है, लिख लिए हैं। अब इसको मिटाते हैं। ध्यान, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों रूप में यूज होता है। यह जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों रूप में यूज होता है, एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में।
इस पहले आपने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं किसको। अब हम देखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों रूप में हम उसको यूज करते हैं, एनोड के रूप में भी और कैथोड के रूप में। अब इसके आधार पर हम लोग सेल पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रोड का रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव और ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड विभव दोनों का मान रख करके हम इसका अलग अलग वैल्यू कैसे निकालते हैं ये चीज हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिख लीजिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले SHE एनोड के रूप, SHE एनोड के रूप में डेनियल सेल में जिंक को हम एनोड और कॉपर को लिए थे कैथोड। अब यहां पर एनोड के रूप में जिंक के जगह पर किसको लेना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। समझ रहे बात, क्यों पढ़ रहे हैं ये फिर से कि सेल पोटेंशियल का वैल्यू बराबर होता है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस, सॉरी रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हम जानते हैं कि दोनों का अलग अलग वैल्यू निर्धारित करना मुश्किल होता है, इसीलिए दोनों का अलग अलग वैल्यू निर्धारण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, SHE का। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। कैसे, गौर कीजिए। किसका घोल लिए हैं, HCl का। इसकी मोलरिटी कितना होता है, 1 m होता है। टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन, है ना। तभी ना ये मानक होगा। मानक होने के लिए दो कंडीशन है कि जो घोल होगा उसका सांद्रता होना चाहिए, उसकी मोलरिटी होनी चाहिए कितना, 1 m, माने m माने मोल पर लीटर, और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। यहां पर ये रड किसका है, कॉपर रड। और ये घोल किसका, कॉपर सल्फेट का। यहां पर भी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 m, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298। मानक होने के लिए, मानक होने के लिए घोल का सांद्रण 1 m होना चाहिए और टेम्परेचर उसका मोलरिटी टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। ये बात पहले से भी पढ़ते आ रहे। तो यहां से क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, पीटी का रड है, छड़। अब जरा आपको क्या देखना है कि यहां पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में और कॉपर रड को कैथोड के रूप में, ये कि हाइड्रोजन का जलीय, हाइड्रोजन के लवण का जलीय घोल, HCl का जलीय घोल है ये, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल। मालूम है ना कि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करते हैं ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इसका रिएक्शन
ये कैसे नोड के जैसा काम करता है इस चीज को देखते हैं। एच टू, टू एच, अटू, चूंकि एनोड के रूप में ये कौन रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, एनोड के रूप में कौन यूज हो रहा है? आप बोलिए कि प्लैटिनम रेड निष्क्रिय है, रिएक्शन वो आधार है केवल, रिएक्शन कौन करेगा? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस जो है एनोड के रूप में काम करेगा। तो एनोड रिएक्शन, एनोड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस। तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन दो है ना, अब ऐसे लिखेंगे इसको H प्लस और 2E, तो बैलेंस करने के लिए ऐसे फिर से देख लो, H प्लस हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, H प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए, तो दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन, ये कौन रिएक्शन हो गया, एनोड रिएक्शन हो गया। अब हम यहां देखते हैं कैथोड रिएक्शन, तो Cu प्लस और इस Cu को कौन गेन करेगा, है ना, कौन, ये दो इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, Cu, ये दो इलेक्ट्रॉन एरोसिन, ये क्या है Cu एक्वस और ये क्या है सॉलिड, और यहां हाइड्रोजन क्या है गैस, और ये H कहां, ये एक्वस। अब जरा गौर कीजिए, हमको क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो गौर कीजिए इसको, आप फिर से समझ लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाने की चीज है। हम टॉपिक क्या बताए हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव करते हैं, और उसी के आधार पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करते हैं। चूंकि गैल्वेनोमीटर में सिर्फ सेल पोटेंशियल का निर्धारण होता है, और सेल पोटेंशियल हम जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अंतर होता है, तो रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग निर्धारण गैल्वेनोमीटर की सहायता से नहीं कर सकते हैं, अंतर सिर्फ पता हम कर सकते हैं। तो दोनों का अलग अलग वैल्यू निर्धारण करने के लिए ही हम किस चीज का, SHE का उपयोग करते हैं। तो हम यहां पर SHE का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं, एनोड के रूप में। तो एनोड के रूप में हमको कौन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो हाइड्रोजन लॉस किया, ये H2, ये है ये H2, और ये H, जब यहां पर हाइड्रोजन गैस होता है तो HCl टूटता है H प्लस में, तो ये H2 हो गया गैस और ये H हो गया कौन चीज, एक्वस, ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, कॉपर आयन, ये कॉपर सल्फेट टूटेगा Cu प्लस में, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन, और ये जाकर के इस पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, इस पर जमा हो जाता है, कौन चीज जमा हो जाता है, कॉपर जमा हो जाता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया एनोड और प्रक्रिया, और ये हो गया कैथोड का क्रिया, ठीक है। आपको एक चीज और मालूम होना चाहिए, बताते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए, बता रहे कि सेल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, रिडक्शन सेल पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मान होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बताए थे ना
कि कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा होता है और जिंक का पोटेंशियल कम होता है, यानी कि कॉपर कॉपर में क्या हो रहा था रिडक्शन और जिंक पर क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, चूंकि ये जिंक है एनोड और कॉपर था कैथोड। यहां पर जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक पर, सही है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है किस पर बताएं आप, हाइड्रोजन पर नहीं, और रिडक्शन किस पर हो रहा था कॉपर पे, चूंकि आप अभी क्या पढ़ रहे हैं कि SHE को किस रूप में एनोड के रूप में, किस रूप में एनोड के रूप में यूज कर, तो ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है एनोड पर, और एनोड कौन है SHE है, और ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना होता है जीरो, ये बात याद रखिएगा कि SHE का मान कितना होता है जीरो, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसीलिए ई सेल का जो मान होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू के बराबर होगा, समझ में आया बात। तो SHE किस, अब हमको अगर सेल पोटेंशियल निकल गया है तो यहां पर सेल पोटेंशियल किस किस पे किसके बराबर हो गया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना होता है जीरो होता है, ये बात दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग SHE का उपयोग किसके रूप में करेंगे, कैथोड के रूप में, इसको आप लिख सकते हैं, बेटा SHE का उपयोग कैथोड के रूप, तो गौर कीजिए, ये क्या है ZnSO4 और ये रेड किसका, जिंक का, ये क्या है पीटी का रेड। अब यहां पे हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकले, वहां पे हाइड्रोजन गैस हम क्या कर रहे थे, दे रहे थे, और यहां स्वतः हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा कैसे, चूंकि यहां पर क्या है HCl है ना। अब इसको हम गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या प्रवाहित हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, और इसको हम साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, कुछ नहीं किए, डेनियल सेल में एनोड था जिंक और कॉपर था कैथोड। अब यहां पर हम कैथोड के रूप में क्या ले रहे हैं, SHE ले रहे हैं, मालूम है ना कि प्लैटिनम रड को हम एक बीकर से ढक देते हैं और हाइड्रोजन गैस को यूज जब किया जाता है तो वो किस रूप में यूज होता है, SHE के रूप में यूज होता है। अब वहां पर हाइड्रोजन जब हम प्रवाहित कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस को हम प्रवाहित कर रहे थे, तब वो यूज हो रहा था किसके जैसा, एनोड के जैसा। यहां पे हाइड्रोजन गैस ये जो है ना HCl, ये टूट जाता है H+ और Cl-, तो यहां हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, यानी यहां पर SHE यूज हो रहा है किसके जैसा, कैथोड के जैसा। तो कैथोड रिएक्शन क्या लिखोगे,
कैथोड के रूप में रिएक्शन कैसे दर्शाएंगे, गौर कीजिएगा। तो जिंक एरो Zn प्लस 2 और 2, और यहां ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, H यहां जाएगा, H यहां पे जाएगा, तो H प्लस E और H2 कैसे बाहर निकले, इसको दो से क्या कर दीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। ये क्या है H, HCl वाला एक्वस, आइए क्या है गैस, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो इलेक्ट्रॉन आया, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से जो आया उसको ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है H आयन, क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और ये H यहां से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये किसका रूप, वहां पर कॉपर क्या हो जाता था, जमा हो जाता था यहां पर, चूंकि ये ठोस था, हाइड्रोजन यहां पर है तो जमा तो नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये किसके रूप में यूज हो रहे हैं, कैथोड के रूप में यूज हो रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सेल पोटेंशियल वैल्यू, तो चूंकि सेल पोटेंशियल वैल्यू रिडक्शन का सेल पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन का सेल पोटेंशियल, तो गौर कीजिएगा, रिडक्शन का सेल पोटेंशियल ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, तो रिडक्शन का सेल पोटेंशियल, तो रिडक्शन कौन है, SHE है, जिसका सेल पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है, जीरो, इसके पीछे ही आपको बताया, याद रखिएगा कि SHE का सेल पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, अगर वो एनोड के रूप में है फिर भी जीरो, और कैथोड के रूप में है फिर भी जीरो, तो ये रिडक्शन हो गया और ये माइनस ऑक्सीडेशन है ना, तो इसलिए ई सेल का वैल्यू माइनस, यानी कि ई ऑक्सीडेशन का मान माइनस ई सेल, ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको, एसएचई का उपयोग हम किस रूप में करें, कैथोड के रूप, इधर होता है लेफ्ट में एनोड और राइट में कैथोड होता है, कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया कैथोड रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और ये हो गया रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये जो इलेक्ट्रॉन दो ठो जो जा रहा है उसको एच आयन क्या करेगा, गेन करेगा, ये HCl वाला एच क्या करेगा, गेन करेगा, तो गेन किया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब गौर कीजिएगा सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन का मान कितना होता है, चूंकि रिडक्शन में कौन यूज हो रहा है, SHE, तो SHE का मान कितना होता है, जीरो माइनस EOX, तो ई जीरो हो गया, तो बच गया कौन चीज, माइनस EOX, यानी कि EOX बराबर माइनस ई सेल पोटेंशियल, यानी जब SHE ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के रूप में यूज होते हैं, तब जाकर के हम अलग अलग, ध्यान दीजिएगा कि किसका मान निकाल दिए, ई ऑक्स का, और इसके पीछे किसका निकाले थे, ई रेड का निकाले थे, यानी कि रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये निकल गया ऑक्सीडेशन का सेल पोटेंशियल। ये पूरी बात को हम फिर से एक बार आपके सामने रखते हैं, चूंकि आगे चल करके इस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको सामान्य रूप से नहीं लेना है, थोड़ा दिमाग लगाना, और आपको हम अभी याद करवा देते हैं फिर से इसको रिपीट कर, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जरूरी क्यों है, चूंकि सेल पोटेंशियल का वैल्यू बराबर होता है रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके पीछे वाले क्लास में आपको पढ़ाया था, तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों ही रिडक्शन सेल पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान मालूम होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अलग अलग मान निर्धारण करने के लिए SHE का निर्धारण करते हैं। तो SHE क्या है, प्लैटिनम के तार को
एक बीकर से ढक देते हैं, बीकर में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। उस हाइड्रोजन गैस का दाब 1 bar होना चाहिए। उसको हम किस के सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन के लवण के जलीय घोल यानी HCl में रखते हैं, तो HCl का टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन जो मानक होता है, और उसका सांद्रण होना चाहिए 1 mole per liter यानी मोलरता कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये निर्माण हो गया कौन चीज का, SHE का। अब SHE के 2 रूप में हम यूज करते हैं, एक एनोड के रूप में भी और एक कैथोड के रूप में। तो एनोड के रूप में जब यूज करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन की क्रिया वहां संपन्न होता है, और जब कैथोड के रूप में संपन्न करते हैं तो वो रिडक्शन की क्रिया संपन्न। अब दोनों ही केस में हमने SHE का पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या रखा है, 0 रखा। क्या है, होता ही है, उसको मान लेना है कि 0 होता है। अब दोनों के आधार पर हम सेल पोटेंशियल को फॉर्मूला में जब सेट करते हैं तो एक में रिडक्शन सेल पोटेंशियल वैल्यू और एक में ऑक्सीडेशन सेल पोटेंशियल वैल्यू का अलग अलग मान ज्ञात हो जाता है। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही। कल हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन में भी आते हैं, और वो है नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिएगा, हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आपको दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे करते हैं। धन्यवाद।